राशि वितरित की गई, कितनी राशि गई है, कितने किसानों को दी? सरकार किसानों की है, भारतीय जनता पार्टी की, मुख्यमंत्री किसानों का है। पिछली सरकार ने प्रीमियम की राशि जमा नहीं की थी फसल बीमा योजना की, उसे किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला। हमने आते ही राज्यांश राज्य के हिस्से की राशि 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के रूप में जमा की, और आज मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी है कि प्रदेश के 15 लाख किसानों के खाते में 2980 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेजी जा रही है। कोरोना के संकट के समय किसानों के खाते में पैसा पहुंचना, उनको नवजीवन प्रदान करेगा, और इसलिए हमने फसल बीमा योजना का लाभ हमारे किसानों को दिया है। किसान प्रसन्न ने कई दिनों से खाते में राशि नहीं आ रही थी, अब राशि आना प्रारंभ हो गई। गेहूं की खरीदी भी अच्छी चल रही, 2000 करोड़ रुपया उसके भी किसानों के खाते में अब जाएंगे जो अब तक खरीद हुई है उसके। 28 लाख मीट्रिक टन खरीदी हो चुकी है अब तक। तो खरीदी और फसल बीमा योजना, उसके साथ 0% ब्याज पर कर्जा, इसकी सौगात किसानों को दी। आज मध्यप्रदेश ने क्रांतिकारी फैसला किया है, हमने मंडी अधिनियम में संशोधन किया है। हमारी मंडियां जो अभी चलती हैं कृषि उपज मंडी, वो मंडियां चालू रहेंगी, लेकिन उसके अलावा अगर कोई चाहता तो निजी मंडी भी स्थापित कर सकेगा, और निजी मंडी स्थापित करके किसानों से कृषि उत्पाद खरीद सकेगा। अगर कोई निर्यातक हो, प्रोसेसर हो, कोई व्यापारी हो, वो किसान के खेत या घर पर जाके किसान से फसल खरीदना चाहेगा या फल सब्जी खेत पर खरीदना चाहेगा, तो किसान का और उसका सौदा अगर पड़ जाता है तो उसको हमने अनुमति दी कि वो किसान के घर से खरीदे, किसान के खेत से खरीदे। और इसके साथ साथ एक ही लाइसेंस पर पूरे प्रदेश में वो खरीद कर सकेगा, मंडी शुल्क एक स्थान पर ही लगेगा, अलग अलग नहीं लगेगा। किसानों के पास विकल्प मौजूद है, वो चाहे तो समर्थन मूल्य पर बेचे, समर्थन मूल्य पर खरीदी चालू है, वो चाहे तो मंडी में बेचे, मंडी चालू रहेगी, और वो चाहे तो अपनी सुविधा से अपने घर पर बेचे, खेत में बेचे। इससे एक प्रतिस्पर्धा व्यापारियों में होगी और किसान को प्रतिस्पर्धी रेट मिलेंगे, अच्छे रेट मिलेंगे। फिर हमने ई ट्रेडिंग के लिए भी प्रावधान किया है, इसमें अगर किसान चाहे तो यहां बैठ के चेन्नई के किसी व्यापारी को अपना माल बेच सकता है, भाव देख के, यहां अच्छा रेट मिले वहां बेचे। ये बहुत प्रोग्रेसिव और क्रांतिकारी कदम है, इससे मध्य प्रदेश के किसानों को लाभ होगा।